एक व्यापारी था, एक सेठ व्यापारी था, तो दूर दूर जाकर जो है व्यापार किया करता। व्यापार अच्छा था, माल अच्छा इकट्ठा कर लिया, वापसी चला, सोचा रखते रात में को चोर डाकू लूट ना ले, तो दशक जो है पहरेदार साथ में लेकर चला, धन अच्छा था। जब न्यू लिया ना, कहा अरे तो नगर के बराबर मान लिया, सेठ जी ने सोची कि नहीं कोई थोड़ा लूट लेगा, ये तो हमारे नगर के बराबर में आई, की दिक्कत से तड़के उठ के कहने लगा, भाई तुम सेवादार हो, तुम वापस जाओ। सेठ जी ने सोची था, घरा लेकर जाऊंगा तो रोटी पानी खुवानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, और पैसा तो जब भी देना, पैसा ही भी देना, अरे आड़ते चले जाए तो कम से कम रोटी पानी का तो खर्चा ना करना पड़ेगा, अरे मैं अपने नगरी के बराबर तो आई लिया, दिक्कत क्या है। मिला एक कोस की तो बात रह रही है, एक कोस तो मैं ले जाऊंगा गजाना हक के, उन्होंने पहरेदार भेज दिए। जैसे पहरेदार भेजे, थोड़ी दूर आगे चला और चलते डाकुआ ने घेर लिया। डाकू सारा सामान लूटने लागे, जब लूटते लूटते जब नजर गई, कह रहा तू तो फला आदमी नहीं से, बोले हाँ हूं, बोए हूं, बोल। अरे बोले यो भी तू वो नहीं है रे, बोले हाँ हूं, उनके दो जान पहचान के पागे, क्यों कर पागे, अके उधर नौकरी करके गए थे। कहले सेठ जी आप, बोले हाँ भाई मैं ही हूं। तो कहने लगे भाई तुम्हारा सेठ है, इन्हें मत लूटो, इसका तो हमने नमक खाया है, इसका तो हमने नौकरी करी है भाई, मत लूटो। ठीक है भाई, छोड़ दिया। अरे एक नहीं, 60 डाकू थे, और 60 डाकुआ में 2 डाकुआ ने वो रोक लिए। क्यों थे, क्यों रोक लिए, कि उधर उसका नमक खा के आए थे। अरे कहने लगे कि सेठ जी जाओ, नो आत के जाई में सो, कोई नहीं लूट सकता था ने, जाओ लूट। देख अपना सामान घर आ गया, घर आके बैठ के सोचने लग गया, कह लगे अरे एक बात बताओ, उस 2 घड़ी है 2 आदमी ने मैं बचा लिया, अगर वो 2 आदमी ना होते तो मैं बचता है, अरे इतना दम ले रहा था, मैंने मारे के फेंक देते, को पूछता मैंने। तो उन्होंने मन में धारा कि आज के बाद रोजाना 2 काम ऐसे करूंगा जो अच्छे कर्म होंगे। अरे जब 2 आदमी पाले कुछ दिन मैंने, उधर रोटी पानी खुआ, अपने नौकरी रखे, उनने मैं आज बचा लिया। अरे 2 घड़ी, कम से कम 2 घड़ी तो भजन करना चाहिए मन, अगर मैं 2 घड़ी भजन करके अच्छे कर्म करना चालू कर दूंगा तो मैं किसी की लूट में नहीं आऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब था तो एक ही है भाई, टिकट कन्फर्म है जान की, इतने आड़ रहो तो इतना कर दो कि उसके दरबार में जाओ तो आंख नीची ना करनी पड़े, न्यू करके खड़ा होना पड़े। जय जय श्री राम।